बस यही चल रहा है लास्ट 7 days से। मीसा जब से आई है तब से पता नहीं चला 7 दिन कहाँ गुजर गए। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग अपडेट देने वाले हैं कि मीसा को आए हुए 7 दिन हुए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिली है, कितना इससे हमने परेशान किया, कितना इसने हमें परेशान किया, और जो फर्स्ट फ्यू डेज से फर्स्ट और सेकेंड डे वो कितने मिक्स रहे ऑलमोस्ट। आई वुड नॉट से कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। फर्स्ट डे वॉज रियली प्रॉब्लमेटिक क्योंकि इसका नया पूरा घर था, सो सेपरेशन एंग्जाइटी भी डेफिनेटली होगी क्योंकि इट वॉज हर फर्स्ट डे इन अ न्यू होम। और हमें लगा था कि ये कुछ 6-7 weeks की है, बट इट वॉज नॉट द केस, ये 5 weeks की थी, 35 days के आसपास। सो काफ़ी कम उम्र है घर पे लाने के लिए। हम नेक्स्ट डे वेट के पास भी गए थे, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था, बट अगर हमने अब ले लिया है तो कुछ नहीं कर सकते। और आज सुबह सुबह यहाँ से गिरी है, सुबह 5-5:30 बजे हम लोग, नहीं 7 बजे के आसपास हम लोग इसे खाना खिला के वापस सो गए थे, और तभी धड़ाम सी आवाज़ आई और हमने देखा तो मैडम जी नीचे गिर चुकी थी और बहुत ही आवाज़ कर रही थी रोने वाली। बट 5 मिनट हमने उसको फिर ऊपर लेके यहाँ पे सहलाया और थोड़ी शांत हुई। ऑलमोस्ट ये 7 दिन में 4-5 बार तो गिरी चुकी है किसी ना किसी जगह से। एंड बाय द वे हमने इसके लिए ये बेड मंगवाया है Amazon से, और आई थिंक आज के दिन ट्राई करेंगे, आज ही आया तो आज के दिन ट्राई करेंगे यहाँ पे सोती है नहीं। अभी तो दोपहर तक तो नहीं सो रही है, लेट्स सी आज रात को यहाँ पे सोती है नहीं। सो एज वी वर सेइंग कि जो फर्स्ट नाइट थी वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि 12:30 बजे जब हम लोग सो रहे थे इसे सुला के, तब वो कम से कम उस नाइट 4-5 बार उठ गई और हमें उठाया और हमने इसको सहलाया, फिर वापस हो गई, फिर वापस उठ गई। कैसे कर रही थी? कूद रही थी वहाँ पर, हाँ। पैर एक्चुअली ऊंचा है तो हमें देखने के लिए कूद रही थी, हाँ। कोई है कि नहीं। वो एक्चुअली कूद रही, दोनों पैर ऊपर पहुंच तो नहीं पा रही, कूद रही, रो रही, और जो छोटे बच्चे होते आवाज करते ना, ऐसे आवाज कर करके और रो रही थी। फिर हम जाते सहलाते फिर वापस सो जाती, फिर 1-1.5 घंटे बाद वापस उठती। फर्स्ट नाइट तो पूरा यही चला, कैसे भी हमने मैनेज कर लिया। सुबह हम लोग सोच रहे थे कि वापस दे के आते हैं, बट वी थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, शायद न्यू पपी है, सेपरेशन एंग्जाइटी रहती है इसीलिए। फिर हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए वेट के पास, उसे कंसल्ट किया, वेट ने बोला कि थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, वेट है उसकी एज के हिसाब से वो कम है, हाँ एज के हिसाब से कम वेट है, अप्रोक्स 1 kg के आसपास कम वेट है। तो वेट ने बोला कि आप एक काम करो, सेरेलेक खिलाओ 2 हफ्ते के लिए उसे, और ट्राई टू इंक्रीज द वेट, एटलीस्ट उसका 2 किलो के आसपास वेट बढ़ना चाहिए। सो अभी देखो वापस स्टार्ट हो गई, भूख लगी है शायद, अभी तो खाया था इसने पर। देखो क्या कर रही है यहाँ पे, ओए मिसा, कोई लेना देना नहीं है, कितना भी बुलाए बस उसको अपनी मर्जी है। किसी भी वियर्ड, मैं आप वीडियोस डालूंगा इसमें, इस वीडियो में जो हमने कैप्चर्स किए इसके वीडियोस वो डाल के, सोते टाइम तो मतलब बाढ़ भी आ जाए, उठने नहीं, हाँ, वाली है। हम इसके मम्मी के घर पे गए थे, वहाँ पे हम लोग निकल गए बाहर, बोल रहे मिसा चल, ऐसे ऊपर देखा फिर सो गई, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके। आई थिंक अभी वो बस एक ही काम कर रही है, खाना है, सोना है। अच्छा मुझे लगा बुला रही। अब इसके बाद एक ही 2-3 काम ही है सिर्फ, खाना है, सोना है, सुसु करना है, फिर वापस हो जाना। देखो स्क्रैचिंग कर रही है, स्क्रैचिंग कर रही है अभी भी। ओए तो मैट से जो प्यार है ना हमारी, अबे तेरे लिए टॉयज तो लेके आए, रुक जाओ थोड़ा थोड़ा होल्ड करते वीडियो को, संभाल लेते इसको। ओके सो डिस्टर्बेंस क्लियर हो गया, सो नाउ बैक टू द पॉइंट कि अब 7 दिन हो चुके हैं। फर्स्ट फ्यू डेज के बाद सिचुएशन बहुत अच्छी रही है, आराम से खा लेती है खाना, और दूसरा चीज़ के खाने के बाद तुरंत सो जाती है, अभी 15-18 घंटा सोती रहती है पूरे दिन में। और सेकेंड थिंग कि बार्किंग जो पहले करती थी, पहले जो बाइटिंग करती थी, बाइटिंग अभी भी करती है बट बहुत कम कर दिया, बहुत ही शांत हो गई और बहुत ही आलसी हो गई, ऐसा लग रहा है कि हमने आलसी कुत्ता पाला है। और अब अपने आप को बाइट करती है, अब अपने आप को ज्यादा बाइट करती है, मतलब वो डॉग्स में होता है, वेट्स ने पूछा था, इट्स क्वाइट नॉर्मल, पर बहुत ही मजा आ रहा है उसके साथ। जो फर्स्ट फ्यू डेज थे वो हमारे लिए बहुत हेक्टिक थे, बट नाउ इट्स रियली गुड, आराम से सो जाती है, हमारा ऑफिस का वर्क होता है हम दोनों कर लेते हैं, रात को भी टेंशन नहीं
रात को भी इतना टेंशन नहीं देती, आराम से एक दो बार उठती है। और हमने पी मैट ली है, पी मैट पे वो उसने सुसु पॉटी दोनों पी मैट पे कर लेते हैं, विच इज रियली गुड थिंग। दिन में एक दो बार एक्सीडेंट हो जाते हैं कहीं भी, पी कर लेती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो पी मैट पे ही ढूंढ लेती कहीं से भी पी मैट। अगर मेरा दरवाजा बंद है तो दरवाजा खोल के भी पी मैट, मतलब दरवाजा थोड़ा सा खुला है तो भी वहां जाके पी मैट पे कर लेती है, खोल के लगते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक में ट्यूजडे वेंसडे के आसपास उसकी फर्स्ट वैक्सीन है, तो उसके बाद आई थिंक स्मूथली जाएगा और 48 डेज के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पफी फूड एंड एवरीथिंग। सो ये था अब तक का अपडेट, अभी बहुत स्मूथ जा रहा है। और इसके बाद अब मैं पूरे जो वीक्स के वीडियोस है, जिसने जिसने मस्ती की, जितनी धमाल की, किस किस जगह पे ये सोई है, वो सारे डालने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियोस। और हमने एक वियर्ड चीज नोटिस भी की है कि जिन जिन लोगों ने बिग बैंग थ्योरी देखा है उनको पता होगा कि सॉफ्ट किटी वार्म किटी आता है उसमें, तो अभी देखना क्या होगा। जस्ट हैव अ व्यू सॉफ्ट किटी वार्म किटी काला लिटिल बॉल ऑफ फायर और अंजलि या मैं ये गाना गाते कहीं से भी उठ के बौखते बौखते आ जाएगी। एक अच्छी ट्रिक मिली हमें से परेशान करने की। So guys, that's it for today's video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया then please hit the like button. नए हो सब्सक्राइब करें, also hit the notification bell icon ताकि जो next video अब इसका live हो तब आपको सबसे पहले update मिले। And we'll see you guys in our next video. Have a great day.